वीडियो बना रही थी। ये भगवान का दर्शन देख सकते हैं आप। भगवान सबका नजर सब जैसे सोई हुए पूरी कलाकृति देख सकते हैं आप। ये हर ज्योति थी जैसे सीता जन्म हुई थी। हम आपको ले जाते हैं, अब अंदर ले चलते हैं इस गेट से अंदर। आपको ये आपका एंट्री हो गया। अब इसके गेट के अंदर से हम निकल गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एकदम चारों तरफ छठी छत जानकी मंदिर का नजर आ रहा है। नहीं देख सकते तो आप लोगों का कैमरा यहाँ पे देखिए फोकस किया जा रहा है नेपाल जानकी मंदिर पे। चारों तरफ सौंदर्य का दर्शन दिख रहा है काफ़ी। वहाँ पर देखिए भाग्यशाली सदन बनाया गया है एकदम शंकर जी का। आपको कैमरा थोड़ा हाँ देख सकते हैं एकदम बाहर की छत की ओर, फिर अंदर ले जाने की हम कोशिश करेंगे। अब अंदर ले चलते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाय सीता जी एकदम अपनी सखी के साथ घूमती नजर आ रही हैं। ये आपको अंदर ये धनुष जैसे टूटा हुआ था, धनुष जैसे जैसे टूटा हुआ था ये वही कांड है। आप देख सकते हैं धनुष जैसे जैसे तोड़े थे। राम जी हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे, सखी सब वहाँ पे सीता से दशरथ सब। यहाँ पे गाना भी वही बच रहा है। ये सीता राम जी का शादी कैसे हुआ था ये सौंदर्य देख सकते हैं एकदम। यहाँ पे फेरा लेते हुए राम जी कैसे राम सीता जी फेरा ले रहे हैं, साथ फेरा लेंगे यहाँ पर, लेकिन अनेक को फेरा ले लेते हैं क्योंकि ये मशीन जो ऑटोमेटिक में है। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं गौर से। हमें आगे ले चलते हैं आपको उस गए फिर दूसरा देख सकते हैं आप। दूसरा गेट के प्रवेश के द्वारा एकदम नीचे की ओर काफ़ी नीचे के सामना जाना पड़ता है। इधर दो तरफ रास्ते हैं, एक दाएं की तरफ एक बाएं की तरफ। मैं पहले दाएं की तरफ शेयर करूंगा और यहाँ पे एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। सीता जी का गहना गहनों का राज है। यहाँ पे गहनों मिल सकता है, देखिए इसका आपको ध्यान से देखिए पढ़िए। माँ जानकी का प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट, मतलब माँ जानकी का मुकुट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मुकुट सब देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपको गहना सब जितना है जानकी माँ का हार था जो हार सब पहनती है, औरतों का श्रृंगार जैसे होते हैं उस प्रकार का, और जानकी माँ का कपड़े सब जो बचपन में पकड़ पाते सीता माँ का। सीता या बोलिए जानकी माँ हमारे मिथिलांचल की प्रसिद्ध। यो आपकी फिर कपड़ा देख सकते हैं पोशाक। ये श्री माँ नंदी सिंहासन बासनी देव ये भी है, हरा कलर का है। अब इसके आगे मैं चलता हूँ। ये पोशाक सब है, बस ये मैं ऐसे करके लंबा करके दिखाना चाहता हूँ। और ये पोशाक देखिए, ये सारे पोशाक सब दिखा रहे हैं आपको, मस्त लग रहा है। ये मुकुट सब देख सकते हैं आप, एक एक करके मुकुट सब हैं। वीडियो को आपको पॉज करके आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हमें बहुत सारे यहाँ पे टिकट में मोबाइल कैमरा के अलाउड नहीं रहता है, फिर भी आज परमिशन होने के पैसे के कारण परमिशन के नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए पोशाक, अब मैं इसको एक मिनट में आपको उल्टा ले चलता हूँ। ये आपको देखिए मुकुट सब है को सॉरी ये आभूषण सब है कुछ कुछ औरतों का श्रृंगार, औरतें ही जाने। यहाँ पे गुरु जी का फोटो सब है, बस यहाँ पे प्राचीन फोटो सब है। ये गुरु जी सब हैं। फिर अंदर चलेंगे हम अंदर की तरफ, अंदर काफ़ी पानी का सामना करना पड़ रहा है। ये भी गुरु जी का फोटो सब है, ये हमारे गुरु जी के फोटो सब हैं।
पिताजी का गुरु का मतलब ये संत सुबीर दास जी महाराज हैं, ये संत हरिनारायण दास जी महाराज हैं, ये संत भजन दास जी महाराज हैं गंगा द्वार, ये संत विश्वाभर दास जी महाराज हैं, ये संत नहरी दास जी महाराज हैं। आपको एक एक करके मैं दिखा के ले चलता हूँ, दिखाते रहे चलता हूँ अंदर। अंदर ये आपको श्री श्री संत अभिराम दास जी महाराज हैं, ये पे नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता। ये श्री राम कृष्ण दास जी महाराज हैं, ये आपका मोटर सब लगा हुआ है अंदर में साफ सफाई के लिए। ये नवल किशोर दास जी महाराज हैं, ये राम शरण दास जी महाराज हैं। अब अंदर की चल तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक बाहर का रास्ता दिखाई जाता है, फिर अंदर देखते हैं, अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर हम देख चुके हैं दाहिने की तरफ, ये बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बाहर जाने का मतलब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ऐसा माना जाता है, लगता है मुझे जैसा, क्योंकि अंदर का फिर मैं देख सकता हूँ ऊपर, ये मैं बाहर आ गया।